या सेफ है यहाँ पर। ऑफ कोर्स सेफ है, अब डिपेंड करता है कि उनके माइंड के ऊपर क्या, लोगों को कैसे सरवाइव करना पड़ेगा। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना, ये सारी चोरी चमारी नहीं करना। तो हेलो जी गाइस, क्या हाल चाल, वेलकम 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 माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग खाली टॉकिंग हेड होने वाली है, फ्रंट ऑफ द कैमरा में बात करने वाला हूँ और बात इस बारे में करने वाला हूँ कि जो आपको ये बीच में जो एक वीक मेरा गुजरा है उसके बारे में आप बात करेंगे। बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजें आपको सीखने भी मिल जाएगा, जानने में मिल जाएगा, पता भी चलेगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार जल्द से जल्द खत्म करूँ ये वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाला हूँ। एक मिनट, कुछ खड़ा करने के लिए ये चाहिए। ओके बॉटल मिल गया, देखो मेरा स्टैंड देख लो, ऐसे जुगाड़ लगा के वीडियो शूट करते हैं क्योंकि पैशनेट अबाउट। तो जी आप उन बात करने वाले हैं लास्ट का जो ये एक वीक गुजरा है, जिसमें कि उसके अंदर मैं थोड़ी सी थोड़ी डिटेल भी दे दूंगा अबाउट सैलरी इन्फॉर्मेशन, ओवर टाइम इन्फॉर्मेशन। सो आपको है ना मजा आएगा, कनेक्ट कर सकोगे, यार भैंस की आग मेरे साथ में भी यही होने वाला है क्या, क्या मैं भी यही काम करूंगा क्या, वॉट एवर रीजन में आप आओ, चाहे वो बर्गर किंग हो, चाहे KFC हो, चाहे मैकडोनल्ड हो, चाहे सब्बे हो, चाहे पिज्जा हट हो, चाहे नाइफ हो, चाहे कोई भी रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस, किस में भी आप आ रहे हो तो आपके साथ में ये चीज जरूर होगा। पहली बात तो आपको जो ईद के टाइम पर, जैसे कि आने वाले समय में 2025 में ऑलवेज में भी तो आप लोग आओगे नवंबर दिसंबर में या फिर जनवरी में फरवरी में आओगे तो यहाँ पे आला फरवरी करके एक सीनारियो है। तो आला फरवरी 25-26 को होता है यहाँ पर, और उस दिन यहाँ पे भाई जो खतरनाक वाला क्राउड होता है जिसकी कोई हद नहीं होती, वो तो चलो 2025 की बात कर रहे हैं, बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और उसके लिए चैलेंजेस बहुत सारे रहेंगे। जैसे कि आपको ना ऑन ड्यूटी टाइम होना रहेगा, मतलब जैसे कि आपको ड्यूटी टाइम पर आना रहेगा और उस समय जो मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ेगा, फिजिकल प्रेशर से गुजरना पड़ेगा, आपका जो खाने का रूटीन चेंज हो गया रहेगा। अब बोल रहे हैं कि भाई क्या बहकी बात कर रहे हैं, जी हाँ मेरे साथ में हुआ है, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन यहाँ पर ईद और पब्लिक हॉलीडे जैसी चीज़ होती है, यहाँ पे लोगों की फटी पड़ी होती है जो कि फूड रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप वगैरह में काम करते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है, कोई भी बंदे को आप आओगे ना, KFC वाले, अमेरिकाना वाले, या फिर पिज्जा हट वाले, या फिर बर्गर किंग वाले, या फिर टाको बेल वाले, या फिर कोई रेस्टोरेंट ऐसी जगह रेस्टोरेंट में काम कर रहा है नाइफ के लोकल रेस्टोरेंट में, किसी भी बंदे को उठा के पूछ लेना, भाई साहब आपका ईद यहाँ पे कैसे गुजरता है, आपको लोग बताएंगे भाई फट के चार हो जाती है। और इतना सारा काम होता है, इतना सारा प्रेशर होता है, कभी कभी क्या होता है टीम मेंबर नहीं हो पाता, कभी कभी टीम मेंबर होने के बावजूद भी हमें दूसरे को सपोर्ट के लिए बुलाना पड़ता है, भाई आजा हमारे यहाँ पर हेल्प कर देना खाली ये 2-3 दिन जो बिजी वाला डे है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा भरसड़ होता है, उस क्राउड को फटाफट से सर्विस देने के लिए तो स्टाफ की जरूरत पड़ती रहेगी। ये रहा पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो ये है कि भाई उस दिन आपको है ना मतलब अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं पब्लिक हॉलीडे या पब्लिक डबल पेमेंट और वॉट एवर यू कैन से दैट, कि आपको पैसा मिलेगा उस दिन का डबल, हर एक मिनट का, हर एक सेकेंड का, जो भी आपका एरिया कुछ अप्रूव करेगा। जैसे कि कुछ लोगों को 9 घंटे के लिए और कुछ लोगों को 12 घंटे के लिए। 9 घंटे के लिए उनको, जिनके यहाँ पे कोई भी ऐसा बिजी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम और लोग छुट्टी के दिन लोग है ना प्रिफेयर करते हैं मॉल में जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, ये सब ईद के दिन, तो वो मॉल वाली जो पब्लिक रहेगी ना बहुत बिजी रहता है। और जो वही जो पेट्रोल पंप पे है या रेगिस्तान साइड में या फिर ऐसा कहीं शॉपिंग एरिया साइड में है, जैसे कि मतलब गली कुचे में है, कोई पेट्रोल पंप के बीच में है, कोई नॉर्मल दुकान के मतलब मॉल के सामने वाले, मॉल के अंदर नहीं, मॉल के सामने वाले पे, तो उस जगह पर थोड़ा कम बसड़ रहता है, कम भीड़ रहेगा, पेट्रोल पंप वाले स्टेशन की जगह पर कम भीड़ रहेगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ज़्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है, तो वो सारा मैन पावर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो बहुत सारा सिनारी होता है। और एक चीज़ आपको भी बता दूँ, आपका ट्रांसफर कभी भी कहीं भी किसी भी जमे पर हो सकता है, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। और आप अगर सोचते रहोगे कि मेरे को भाई यहाँ पे आया हूँ तो एक ही जगह के ऊपर काम करना है, तो ऐसा नहीं होगा, आपका ट्रांसफर ऐसा उठाएंगे मतलब दूसरे रेस्टोरेंट में फेंक देंगे, भाई जाके वहाँ पे काम करो, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा बीमार है या फिर किसी का लड़ाई हो गया है या फिर कोई सीख हो गया है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भसड़ है, इसलिए ज़रूरत पड़ गई सपोर्ट की, इसलिए ऐसा उठाएंगे तो काम कर। ये आला सिनारी आपके साथ में शेयर कर दिया। और फिर इसके बाद में क्या हो गया, ये हो गया, फिर इसके बाद में सिक लीव का क्या सीन है, अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ क्या कंपनी सिक लीव देगी? यस ऑफ कोर्स कंपनी सिक लीव देती है, बट उसके लिए एक पेपर आता है, उसको साइन करवाना पड़ता है डॉक्टर के पास में जाकर, और डॉक्टर यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है, जो कि 1-2 KD
दो केडी या तीन केडी लगता है टैक्सी का, टैक्सी से जाओगे, टैक्सी से आओगे, छह केडी खर्चा हो जाएगा। अगर वो डॉक्टर देखेगा आगे सच में आपकी तबीयत खराब है और आपको रियली रेस्ट चाहिए, तो आपको स्टैंप मार के देगा। वो स्टैंप लाने के बाद हेड इधर पे अपने मैनेजर को देना पड़ेगा, तब जाके मैनेजर अप्रूव करेगा। हालांकि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, बट समझने की कोशिश करना क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। वीडियो को मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा लंबी हो जाए, आप लोग को बोरिंग फील हो। और काम कैसा है? काम अच्छा है, कुछ लोगों के लिए तकलीफ वाला है, कुछ लोगों के लिए काम बहुत खराब है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग अभी के अभी छोड़ के जाना पसंद करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे भाई आया हो तो अब तो पैसे ही पैसे कमाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने चैलेंजेस लेने के लायक हो। अगर आपके पास में ज्यादा प्रेशर आ रहा है और मेंटल और फिजिकल प्रेशर आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, तो फिर भैया आप बोलोगे भैया छोड़ के जाना ही बेटर है। एंड और प्रमोशन का क्या सीन है? प्रमोशन और यानी ग्रोथ का क्या सीन है? अगर आप आने के बाद में क्या मेरा सैलरी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं इंक्रीज होगा? उसके लिए एक मैनेजर का एग्जाम होता है। अगर आप जाओगे मैनेजर के एग्जाम के लिए, पास हो जाओगे, फिर उसके बाद में सिनारियो धीरे धीरे चेंज होती रहती है आपकी लाइफ में। वो आप डिपेंड करेंगे एचआर वाले और एरिया कोच। एरिया कोच अप्रूव करता है, एचआर अप्रूव करता है, तो आपका प्रमोशन विद इन 6 महीने के अंदर हो जाता है। अगर नहीं करता है, एग्जाम पास होने की बात कर रहा हूं, क्या हालांकि एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हो आफ्टर 11 मंथ और 12 मंथ और 22 मंथ। मतलब कि डिपेंड करता है कि आपका मैनेजर आपका फीडबैक आपके बारे में क्या दे रहा है सामने वाले को, यानी आपके जो ऑपरेशन मैनेजर वाले को, कि आपका फीडबैक कैसा मिल रहा है, कि बंदा सही में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, या खराब काम कर रहा है, या फिर टाइम पास कर रहा है, या कैसा कर रहा है। तो ये सिनेरियो है। अब ये मत बोला भाई तेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अदरवाइज मैं जाके मैनेजर को फोर्स कर सकता था कि प्लीज मेरा भी नाम भेजो एग्जाम के लिए, सो दे डेफिनेटली दे विल सेंड माय नेम। तो सुनने में आ रहा है कि मैनेजर बोल रही है कि अभी एक हमारे साथ में एक इजिप्ट का बंदा है अब्दुल, और वो शायद जाएगा, उसके बाद शायद मेरा नंबर आएगा। होप फॉर द बेस्ट, अगर जाए, अगर होएगा मेरा नंबर तो आई विल डेफिनेटली गो, चाहे पेस चाहे पास हूँ चाहे फेल हूँ, कोई नहीं, मौका तो सबको मिलता है, वो मौके का फायदा तो उठाना बनता ही है, क्यों, क्या बोलते पब्लिक। फिर उसके बाद में क्या लड़कियां सेफ है यहाँ पर? ऑफकोर्स सेफ है। अब डिपेंड करता है कि उनके माइंड के ऊपर क्या, उनको चुलबुली मची है। अगर चुलबुली मची है तो फिर वो जाके कुछ भी कर सकती है। अगर अच्छी घर की है और उनका मोटिव है कि अपनी फैमिली को सेव और अच्छा लाइफ देना, अपनी फैमिली को एकदम मस्त प्राउड फील कराना, तो यार बिंदास लड़कियां बाहर निकल के काम कर सकती है, कमा सकती है। कितनी सारी लड़कियों से मैं मतलब मिलता हूँ, बात भी करता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जांग है साथ में और मंजू है साथ में, ये लोग अच्छे से, मतलब समझ रहे हो, ये लोग अच्छे से यहाँ पे रहते हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और क्या चाहिए, जो चाहिए बाहर फ्लूस मिलता है। तो जी हाँ, ये सारी चीजें होती रहेंगी। बस यही बोलना चाह रहा था मैं आपको। अभी वो मुदीर आ गया था चेक करने के लिए कैसा सीन है, बोला थोड़ा अरेंज करके रखो, यहाँ पे एक बंदा आ रहा है। तो मैंने बोला चलो ये भी बढ़िया है, जो भी आए सब बढ़िया है, हाँ चलो ठीक है। और क्या बोल रहा था, बस हो गया ना ये, मैं भूल गया यार, अभी वो भाई ने बुलवा दिया, मैं इतना अच्छे फ्लो में था और इतनी अच्छी चीज़ें चल रही थी बताने के लिए, बट कोई नहीं, आई होप तो कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गया रहेगा। और खाने का क्या सीन है भाई? खाने का पैसा मैं हर वीडियो में बना सकता हूँ, बना बना के थक गया, वही खाने का क्या सीन है? अभी जस्ट खर्चा करके आ रहा हूँ मैं 15 केडी, तो समझ लो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको बाहर खाना है बाहर खाओ, होटल में खाना है होटल में खाओ, घर पे बना के खाना है घर पे बना के खाओ, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को सर्वाइव करोगे। ओके, तो बाकी सब तो बढ़िया है, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा ये छोटा सा ब्लॉग, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। ये 8 मिनट बहुत ही लाजवाब वाले 8 मिनट है मेरे लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि यार जो लोग आने वाले हैं, और यार एक और बात भाई, मैं किसी को जॉब नहीं दिलाता, मैं खाली बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ कैसे गुजर रही है यहाँ पर और आप लोगों को कैसे सर्वाइव करना पड़ेगा। बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारी चोरी चमारी नहीं करना, और क्या है, चोरी चमारी नहीं करना यार, और अच्छे से रहना, किसी से ज़्यादा पैसे का लेन देन नहीं रखना, अपना पैसा अपने पास में रखना, सेंड करना अपना जाके सिविल आईडी कार्ड दिखा के, एक दिनार रूबा लगता है पैसा भेजने का, तो आप कितना भी भेज सकते हो उस एक दिनार रूबा में। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करना था। बाकी तो हालांकि डेली लाइफ में आपको बताते रहूँगा, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।